अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी डेट हो चुकी है 22 नवंबर 2019 की। बड़ी अपडेट देखने वाले, और सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी। खुशखबरी जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी क्या आ चुकी है आपके लिए, यूपी टेट 2019 गणित की वीडियो जल्दी देखें। जी हाँ दोस्तों, हमने आपके लिए यूपी टेट 2019 मैथ की वीडियो पूरी बना रखी है। अब दोस्तों इसको आप देख सकते हैं, और वीडियो की दोस्तों लेंथ है 6.5 घंटे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर है दोस्तों, लेकिन बिल्कुल प्रीमियम वीडियो है। मतलब हर एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं, 200 से अधिक क्वेश्चन दोस्तों आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे, 200 से अधिक गणित के सवाल। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को जल्दी देखें। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए हम आपको अपना भी व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। तो उससे पहले दोस्तों आज की जो तमाम बड़ी अपडेट है उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे टीईटी परीक्षा के लिए अब तक आए दोस्तों 16,04,000 आवेदन। हाई कोर्ट का सचिव पीएनपी को आदेश। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट की तरफ से पीएनपी सचिव को आदेश जारी हुआ है कि 2 माह के अंदर इनको जारी करना पड़ेगा यूपी टेट 2017 का संशोधित रिजल्ट। इसके बाद 2 माह में शिक्षक भर्ती परीक्षा पुनः करें आयोजित। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, मतलब दोबारा से शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होगी, और दोस्तों इनको जो अभी 3 नंबर दोस्तों बढ़ाए गए थे 2017 के रिजल्ट में, उसको दोस्तों इसको संशोधित करके, मतलब जो बच्चे फेल हुए थे अब बच्चे वो पास भी हो सकते हैं, फेल से पास का सपना होगा उनका साकार। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती, 30-33 मामले पर आज भी कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। फिर अगली बड़ी अपडेट है दोस्तों, शिक्षकों की सरकार से वार्ता रही विफल, 21 जनवरी को स्कूलों में करेंगे तालाबंदी। तो दोस्तों ये सब तमाम आज की बड़ी अपडेट है। अगर दोस्तों एक और बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों जो अच्छी अच्छी वीडियो आती है ना वो आपको मिल नहीं पाएंगी। और नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन कर लीजिए दोस्तों, काफी बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करके अपना सपोर्ट दीजिएगा, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो हर जगह इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लिख लीजिए, और पहले आज के अपडेट्स भी देख लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8738079216। तो दोस्तों आप इस पर हमें मैसेज करके अपना नाम और जिला बता दीजिएगा कि आपने कहाँ से मैसेज किया, तो आपको तुरंत यूपी टेट गणित की वीडियो दोस्तों मिल जाएगी। फिर से नंबर हमारा 8738079216। ठीक है, आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है। उसके बाद दोस्तों चलिए आज के बड़ी अपडेट सब हम लोग देखते हैं। यूपी टेट के लिए आए 16,04,000 आवेदन, नंबर को सेव कर लीजिएगा दोस्तों, काम पड़ सकता है। फिलहाल अभी सिर्फ मैथ की वीडियो बनी है, तो अगर आपका सपोर्ट रहा दोस्तों अच्छा खासा, तो आगे हर एक सब्जेक्ट की वीडियो दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के लिए बृहस्पतिवार को शाम 6 बजे तक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में कुल मिलाकर 16,04,000 अभ्यर्थियों की फीस जमा हो गई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि शुल्क जमा करने के अंतिम दिन तक कुल दोस्तों 12.006 लाख पंजीकरण और 11.32 ने अंतिम रूप से आवेदन पूरा कर लिया। अभ्यर्थी रात 12 बजे तक शुल्क जमा करने में जुटे रहे। सचिव परीक्षा नियामक ने बताया कि शुल्क जमा करने और पंजीकरण में वेबसाइट से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। बताया गया कि दोस्तों 22 नवंबर को आवेदन करने वालों के फाइनल प्रिंट डाउनलोड करने के बाद परीक्षार्थियों की सही संख्या का पता चल जाएगा। रात 12 बजे तक वेबसाइट बंद होने के बाद शुक्रवार को सही आंकड़े जारी होगा। 21 नवंबर तक 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाए थे, इसमें से 16 लाख से अधिक ने शुल्क भी दोस्तों जमा करा लिया। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट से, मतलब आपके साथ इस बार 16 लाख बच्चे एक साथ पेपर देंगे। तो दोस्तों आज आपका देखिए फाइनल प्रिंट निकलने का अंतिम तारीख है, आज आप लोग दोस्तों अपना फाइनल प्रिंट को निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर आज के बाद वो भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आई, टेट 2017 का परिणाम 2 महीने में घोषित करे हाईकोर्ट। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट का एक बड़ा फरमान आया है सरकार के लिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में टेट 2017 के परिणाम 2 माह में घोषित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए टेट 2017 का परिणाम 14 प्रश्नों को हटाने के बाद घोषित करने के सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया है। सरकार को परिणाम ठीक है घोषित करने के अगले 2 माह के भीतर सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 कराने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दाखिल विशेष अपील को निर्णित करते हुए दिया। उल्लेखनीय है कि अपील में एकल पीठ के 6 मार्च 2018 के निर्णय को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने यूपी टेट 2017 के संबंध में जारी उत्तरमाला में 14 प्रश्नों को गलत पाते हुए 18 अक्टूबर 2017 को जारी उक्त माला को
14 प्रश्नों को हटाने के बाद पुनः परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। साथ ही पुनः परिणाम घोषित होने तक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 कराए जाने पर रोक लगा दी थी। उसके बाद दोस्त एक और बड़ी अपडेट आपकी आई कि वार्ता विफल, 21 जनवरी को स्कूल कॉलेजों में तालाबंदी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो हर जगह दोस्तों आप देख रहे होंगे यार कि काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स आपको देखने को मिल रही। देखिए शिक्षकों की प्रमुख मांगे क्या है इसको देखते हैं। बेसिक शिक्षकों को एसीपी की सुविधा दी जाए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अंतर जनपदीय तबादला साल भर होता रहे। योग्यता रखने वाले शिक्षा मित्रों को टीचर बना दिया जाए। परिवार कल्याण प्रोत्साहन, वेतन वृद्धि व सामूहिक बीमा पुनः लागू किया जाए। कंप्यूटर व व्यावसायिक शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा मिले। महिला शिक्षकों को बाल्यकाल देखभाल अवकाश व अन्य अवकाश सरलता से मिले। यूजीसी नियमों के अनुसार डिग्री शिक्षकों की प्रोन्नति की जाए। तो दोस्तों देखिए, टीचरों की जो मांगे हैं उसको हम देख रहे हैं। तो ये सब अगर मांगे सरकार पूरी करती है तो भाई स्कूलों में तालाबंदी नहीं हो पाएगी। तो 21 जनवरी को स्कूलों कॉलेजों में होगी तालाबंदी, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो कुछ बच्चे खुश हो रहे होंगे यार, चलो छुट्टी हो जाएगी उस दिन। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे वही आपका टेट 2017 का परिणाम को लेकर। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आज की निकल कर आ रही है, पता क्या है वो आपके 68,500 शिक्षक भर्ती वाली दोस्तों, जो 30-33 मामले पर आज भी कोर्ट में सुनवाई होती रहेगी। तो दोस्तों अगर इसमें यार 23,000 सीटें खाली है, अगर आपकी कट ऑफ देखिए, समझ जाइए आप लोग जो बच्चे 2019 की तैयारी कर रहे हैं टेट के लिए, अगर 68,500 शिक्षक भर्ती में 30 और 33 कट ऑफ हो जाता है, डाउन होता है, मतलब अभी तक दोस्तों यहाँ पर 40-45 कट ऑफ पर नौकरी दी गई थी, अगर ये बच्चे जीत जाते हैं और कट ऑफ को डाउन करा ले जाते हैं, 30-33 करा ले जाते हैं, तो जो 23,000 सीटें दोस्तों रिक्त रह रही ना, वो सीटें सारे फुल हो जाएंगी। तो मतलब जो आने वाले टाइम में दोस्तों वैकेंसी आने को सोच रहे हैं, जो बच्चे 2019 की तैयारी करने हुए, वो वैकेंसी नहीं आ पाएगी। तो इन सब बातों का भी दोस्तों आपको विशेष कर ध्यान रखना पड़ेगा कि यार कम से कम अगर इसमें 68,500 में जो 30-33 वाला मामला है, ठीक है, अगर वो बचा रहे तो नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। दोस्तों देखिए, जैसे ये सब मामला फाइनल हो जाएगा ना, उसके बाद ही जो आपकी जो रिक्त सीटें हैं उस पर एक तरह से नई वैकेंसी आ सकती है। अभी आपने देखा होगा एलटी ग्रेड का जो रिजल्ट आया था, उसमें 3,000 से ज्यादा सीटें रिक्त रह गई। ठीक है, मतलब हुआ क्या दोस्तों, इतने बच्चे भाई योग्य ही नहीं हो पाए, मतलब उनको नौकरी नहीं मिल पाई। तो वहां बच्चों ने ऐसा नहीं किया कि यार वहां पर जेपी फिर से जाकर केस वेस कर दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सब कुछ सही चल रहा है। जिनको नौकरी मिल गई ठीक है, नहीं मिली नहीं मिली। अब लेकिन दोस्तों अपने यूपी में क्या होता है, वो भी यूपी में ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो कुछ मामले ही अलग चलता है सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में, कि अगर हम फेल होते तो दोस्तों केस कर देंगे पास होने के लिए, कट ऑफ को ही डाउन करा देंगे या कट ऑफ को हाई करा देंगे। देखिए आपके जो सीनियर बच्चे इस समय होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती जो बच्चे में है अभी, हो सकता है वीडियो देख रहे हो हमारी, उसमें दोस्तों क्या लड़ाई चल रही है, हमें कट ऑफ को बढ़ाना है। 69,000 में 240-45 से कट ऑफ को 260-65 क्यों ले जाया जा रहा है। मतलब सरकार का कहना है कि 60-65 अगर आपकी कट ऑफ नहीं है तो 60-65 से कम नंबर आपके आते हैं, ये परसेंटेज में दोस्तों नंबर इसको याद रखना है। 60-65 का मतलब दोस्तों सीधे तौर पर आपका 90 और 97 नंबर से, 150 में 90 और 97 नंबर। सरकार का दोस्तों ये कहना है कि अगर आप 90 और 97 से कम नंबर पाते हैं तो मतलब आप एक योग्य बच्चे नहीं है, योग्य शिक्षक नहीं बन सकते। तो वैसे ही दोस्तों आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है, पहले वहां पर सरकार ने कट ऑफ जो लगाया था आपका 40-45 लगता है, ठीक है 40-45। अब दोस्तों बच्चों की मांग होगी कि यार हम 40-45 से एक तरफ हम 60-65 आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एक तरफ दोस्तों पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, 30 और 33 कट ऑफ, ये भी आपको दोस्तों एक परसेंटेज में कट ऑफ है। तो सोचिए यार कि हो क्या रहा है, जज साहब भी अगर बैठते होंगे तो सोचोगे कहाँ हम कहाँ फंस गए, कहीं पर दोस्तों बच्चे कट ऑफ को बढ़ाने की मांग करते हैं, कहीं बच्चे कट ऑफ को घटाने की मांग करते हैं। तो दोस्तों होते जज साहब वही है, तो वही सब चीजें हैं दोस्तों की एक तरफ तर्क दिया जाता है कि अगर कट ऑफ हाई रखेंगे तो योग्य बच्चे मिलेंगे, और दूसरी तरफ दोस्तों क्या तर्क दिया जाता होगा, ये तो कोर्ट ही जाने की क्या क्या हो रहा कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप यूपी टेट 2019 की पूरी मैथ की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जल्दी से देख डालिए दोस्तों। तो 6.5 घंटे की वीडियो दोस्तों जल्दी से आप खत्म करिए। देखिए बिल्कुल प्रीमियम वीडियो है, मतलब कहने का ये है दोस्तों, उसके जो 200 से अधिक क्वेश्चन थे, आप हर एक क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको डाउट आए, क्योंकि वो क्वेश्चन आसान नहीं होंगे दोस्तों। काफी होते हैं कि यूट्यूबर्स ये आपको आसान आसान क्वेश्चन दे देते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी बिल्कुल आसान क्वेश्चन पर ही रहकर थम जाती है। लेकिन दोस्तों आप जब हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि वीडियोस अच्छी है खराब, वो आप खुद डिसाइड करेंगे, कमेंट बॉक्स आपका है, जाके आप खुद कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी है तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छी है तो कमेंट करके बताइएगा कि यार दिक्कत कहाँ आ रही है, तो उसको दोस्तों हमें सुधार करेंगे और क्या, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका ही मोटिवेशन, आपसे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर मैथ की वीडियोस जल्दी दीजिए, तो काफी बच्चे परेशान हो रहे थे कि अलग अलग जगह दोस्तों आपको पार्ट वाइज मिलता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो दोस्तों एक बार पार्ट 1 आ जाता है तो पार्ट 2 आता ही नहीं, तो बच्चे इंतजार में महीनों बैठे रहते हैं।
इसीलिए दोस्तों हमने सोचा है कि यार एक बार ही मेहनत करें और आपको इतनी अच्छी वीडियो दी जाए। देखिए आपके पास दोस्तों आपका पेपर 22 दिसंबर को, आज 22 नवंबर हो चुका है, मतलब दोस्तों अगले 30 दिनों का आपका प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपका प्लान मैथ को ही लेकर होना चाहिए। अगर मैथ में आपने 30 में 30 कवर कर लिया तो दोस्तों 150 में से दोस्तों 100 का जो आंकड़ा होगा ना, बहुत ही आसानी से आप छू जाएंगे, टच कर जाएंगे। अगर आप मैथ में रह गए तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो दोस्तों मैथ बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट होता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो कोशिश करिएगा दोस्तों कि मैथ में आपका एक अच्छा स्कोर हो पाए। देखिए 6.5 घंटे की हमारी वीडियो जरूर है, अगर आपसे एक दिन में ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं पर डे दोस्तों 1 1 घंटे देखिएगा, तो मतलब आप 1 हफ्ते में 1 वीक में दोस्तों इस वीडियो को खत्म कर देंगे। तो अगर आप अगले 1 सप्ताह में भी इस वीडियो को खत्म कर देते तो दोस्तों हम मानेंगे कि आपके एक बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप दोस्तों हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पार्ट 2 भी इसका मिलेगा। पार्ट 2 के दोस्तों वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके कमेंट्स आएंगे, आपकी रिक्वेस्ट की दोस्तों, अगर आप जल्दी से वीडियोस खत्म कर दें तो पार्ट 2 डेफिनेटली आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आते ही आप लोग तैयारी में जुट जाइए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है तो उसमें हर एक बच्चे को ऑल द बेस्ट, फिर से आप लोग तैयारी करते रहिए, फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।